गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम अगेन। नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 7 चैप्टर 8 अ शर्ट इन द मार्केट। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्टली गिनिंग मिल। गिनिंग मिल क्या होती है? गिनिंग मिल इज अ फैक्ट्री वेयर सीड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कॉटन बोल्स एंड द कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बेल्स टू बी सेंट ऑफ स्पिनिंग इनटू थ्रेड। गिनिंग मिल वो फैक्ट्री होती है जिसमें कॉटन के बॉल्स में से उनके सीड को निकाल दिया जाता है और कॉटन को प्रेस करके उसको इस तरह बना दिया जाए जिससे उसके थ्रेड बनाए जा सके। नाउ एक्सपोर्टर, अ पर्सन हु सेल गुड्स एब्रॉड इज कॉल्ड एक्सपोर्टर। जो सामान विदेशों में भेजते हैं, फॉरेन में भेजते हैं, उनको क्या बोलता है? एक्सपोर्टर बोला जाता है, ठीक है। एंड पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम रेफर टू द सिस्टम वेयर द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द वीवर्स एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी ऐसा वक्त जिसमें हम जो वीवर्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल्स दे दिया जाता है और उनसे कंप्लीट वर्क ले लिया जाता है, इसी को पुटिंग आउट सिस्टम बोला जाता है। प्रॉफिट, द अमाउंट दैट इज लेफ्ट ऑन गेन फ्रॉम द अर्निंग आफ्टर द डिडक्टिंग ऑल द कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब वो अमाउंट जो जितना भी हमारा खर्च हुआ है, जितने भी हमारा कॉस्ट लगी है, पैसा खर्च हुआ है, स्पेंड हुआ है, उन सबको हटा के जो बचता है वो क्या कहलाता है? वो प्रॉफिट होता है। वीवर्स कोऑपरेटिव, इन अ वीवर कोऑपरेटिव पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कम टूगेदर एंड वर्क फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। इन अ वीवर कोऑपरेटिव द वीवर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक्स अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिव। They get yarn from the yarn dealer and distribute it among the weavers. Weaver cooperative यानी एक वो बुनकर समिति है जिसमें जितने भी लोग थे कॉमन अपने एक बेनिफिट के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो भी यार्न डीलर होते हैं उनसे यार्न खरीदते हैं, यानी धागे से धागे खरीद के उनको वीवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर उसको लेके वो मार्केट में जो फिनिश्ड वर्क होता है यानी जो गारमेंट्स होते हैं, कप क्लॉथ होते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं। इनके वीवर्स कोऑपरेटिव के आने के बाद से जो वीवर्स थे उनकी जो इनकम है वो भी काफ़ी हाई हो गई है, उनका भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। नाउ शॉर्ट नोट्स, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज इट रिक्वायर्स वेरियस इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो कॉटन की खेती होती है काफ़ी महंगी कहलाती है बिकॉज इसको करने में, इसके कल्टिवेशन में काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिकॉज का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है और कॉटन बॉल्स जब तक फटती नहीं है तब तक इसको हार्वेस्ट नहीं किया, इसकी कटाई नहीं हो पाती होती है एंड इसको लगाने में काफ़ी सारी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। एंड द लोकल ट्रेडर्स आर वेरी क्लेवर एंड पावरफुल मैन। जिस तरह हमने इस चैप्टर में देखा जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी क्लेवर होते हैं। किस तरह से क्लेवर होते हैं? वो कम चीप रेट में फार्मर प्रोड्यूसर से एंड व्यूअर से सामान खरीद के उनको मर्चेंट्स को बेचते हैं। अ लार्जर वेराइटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन अराउंड बाय वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु एट इज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड। जो अराउंड बाय वीकली मार्केट है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है तमिल। इस यहाँ पे आपको हर वैरायटी का कपड़ा थोक के भाव में मिलेगा। एंड क्लॉथ इज बाउट द क्लॉथ मर्चेंट एंड अदर ट्रेडर्स। दिस मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ टू गारमेंट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट्स अराउंड द कंट्री। जो पहले कपड़े खरीदते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं? मैन्युफैक्चर के लिए कंपनीज में भेजा जाता है। एंड द वीवर्स आर हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट हैव टू स्पेंड द वीवर्स आर हैप्पी बिकॉज दे डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी टू ऑन परचेस यार्न एंड दे गेट रिड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग देयर फिनिश क्लॉथ। बट दे लॉस देयर फ्रीडम टू बिगेन टू डिपेंड अपन मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स। हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में देखा था जो मर्चेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोक के भाव में जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं उनसे सामान खरीद देते हैं। अब वो वीवर्स को जब गारमेंट्स को कपड़े को बनना होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, वीवर्स को थ्रेड यानी यार्न को वो दे देते हैं और उनसे फिर जो फिनिश्ड वर्क होता है यानी जब कपड़ा बन जाता है ले लेते हैं। इसमें वैसे तो वीवर्स को काफ़ी बेनिफिट होता है बिकॉज उन्हें इधर यार्न खरीदने के लिए उन्हें पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और उनको
ये भी पता रहता है उन्हें किस तरह का क्लॉथ बनाना है, उनको मार्केट में जाकर उसको बेचना भी नहीं पड़ता, मर्चेंट्स आके उस सामान को खुद ले लेते हैं। बट इससे उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको वो कम वेजेस देते हैं मर्चेंट्स वीवर्स को, और उनकी जो फ्रीडम है वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। किस तरह लॉस हो जाती है, उनको ये नहीं पता रहता है कि वो लोग क्लॉथ किसके लिए बना रहे हैं, है ना, और उनकी वेजेस के सही रेट नहीं मिल पाते हैं, उनके वर्क का, उनकी मेहनत का, हार्ड वर्क का उनको सही रेट नहीं मिल पाता है, और वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मर्चेंट पे डिपेंड हो जाते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट द वर्क अमॉन्ग द वीवर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर एंड दे हैव रिसीव मर्चेंट्स प्रोवाइड देम विद द रॉ मटेरियल्स यार्न एंड वीवर इन रिटर्न सप्लाई देम क्लॉथ। पुटिंग आउट सिस्टम मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बता ही चुकी हूँ। पुटिंग आउट सिस्टम में जो मर्चेंट्स होते हैं वो वीवर्स को यार्न देते हैं और उनसे फिनिश्ड वर्क लेते हैं। द अराउंड मर्चेंट सप्लाइज द कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस बाय द वीवर्स टू अ गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। जो एरोट के मर्चेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वीवर्स का जो गारमेंट्स होता है उसको कहाँ पहुँचाते हैं, दिल्ली की फैक्ट्री में। एंड द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री यूज द क्लॉथ टू मेक शर्ट्स टू एक्सपोर्ट डैम टू फॉरेन बायर्स, और वो जो कंपनी है वो उसकी शर्ट बना के उसको फॉरेन बायर्स को देती है। द एक्सपोर्टर पुट्स इन ऑल हिज एफर्ट्स टू फुलफिल द डिमांड टू फॉरेन बायर्स, और एक्सपोर्टर जो है वो फॉरेन बायर्स जितनी भी डिमांड है उसको कंप्लीट करते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर चैप्टर। गुड।